एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नरावला का औचक निरीक्षण, लगातार शिकायतों के चलते किया गया निरीक्षण। दिनांक 23 फरवरी जितेंद्र यादव सांसद जनप्रतिनिधि जनजाति कार्य विभाग विधानसभा राजपुर, प्रकाश चौहान जिला महामंत्री भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा बड़वानी व पालक संघ के साथ विद्यालय में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान विकास निहाले, मीडिया प्रभारी भाजपा मंडल राजपुर सहित विद्यालय के प्राचार्य श्री कैलाश खन्ना एवं छात्रावास अधीक्षिका श्रीमती वंदना कनारिया की उपस्थिति में आवासीय विद्यालय परिसर का अवलोकन किया गया, जिसमें भोजन व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं का निरीक्षण कर विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं से जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान शिक्षा व्यवस्थाएं उत्तम पाई गई। शिक्षा व्यवस्थाओं और शिक्षकों से सभी कक्षाओं की छात्राएं संतुष्ट दिखाई दी। निरीक्षण के दौरान कक्षा 6, 9वीं एवं 10वीं कक्षा की छात्राओं से उनकी राय एवं समस्याएं पूछी गई, जिसमें यह पाया गया कि लंबे समय से भोजन खराब दिया जा रहा है एवं मेनू अनुसार किसी भी दिन भोजन नहीं दिया जाता है। छात्रों ने नाम न बताने एवं वीडियो न बनाने की शर्त पर निरीक्षण कार्यकर्ता के सामने विद्यालय के प्राचार्य महोदया एवं जनप्रतिनिधियों तथा पालक संघ के सामने भोजन के विषय में अपनी पीड़ा बताई। छात्रावास अधीक्षिका एवं प्राचार्य महोदय को उचित सुधार एवं बच्चों की शिकायतों का निराकरण करने की समझाइश दी गई। साथ ही परिसर के मुख्य कक्षों जैसे प्राचार्य कक्ष एवं पुस्तकालय में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाने के लिए बताया गया। छात्रावास अधीक्षिका को यहाँ पर बुलाकर उनसे संबंधित चर्चा की जाएगी। भोजन गुणवत्ता के आधार पर क्यों नहीं दिया जा रहा, शासन की जो योजना है उसको फॉलो करे, इस प्रकार की समझाइश दी जाएगी। यदि भविष्य में इस प्रकार की और घटना घटती तो उसे हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सर, कई दिनों से नाश्ता मेन्यू अनुसार नहीं दिया जा रहा, बच्चों का भी आरोप था। बच्चों के द्वारा मुझे लिखित में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था, इस कारण कोई समस्या नहीं बताई गई थी विशेष। जी आज एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो नरौला में स्थित है, आज हमारे द्वारा माननीय जीतू भाई यादव जी जो कि सांसद जी के प्रतिनिधि जनजाति कार्य विभाग विधानसभा राजपुर के, हमारे द्वारा पालक संघ के साथ में सामूहिक रूप से जो है औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। लेकिन एक बहुत बड़ी शिकायत बच्चों ने खुलकर आज बोली है जो भोजन के बारे में है। भोजन यहाँ बहुत ख़राब दिया जाता है। बच्चों ने बताया कि मेनू अनुसार कभी भोजन दिया नहीं गया और भोजन डाइट जो लगती है उनसे कम दिया जाता है और बच्चों को डांटा भी जाता है अगर मांगा जाता है दोबारा। तो इस प्रकार की भोजन की जो शिकायतें हैं गंभीर रूप से पाई गई है। इसमें हम लोगों ने आदरणीय प्रचार महोदय को भी जो उचित कदम उठाने की बात हमने उनको समझाई है, वो अधीक्षिका महोदय को भी हमने बताया कि बच्चों के द्वारा इस प्रकार की शिकायतें हैं, आप इसमें सुधार करें। आगे जो भी कार्रवाई होगी माननीय सांसद जी को और हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों को बताया जाएगा। डिजियाना न्यूज निमाड़ राजपुर। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।